दोस्तों तुसी देख रहे हो अस्थान बाबा काला महर जी। बाबा काला महर जी किन्ने करनी भरनी के मालक ने, किन्नियां शक्तियां के मालक ने, तुसी इस गल का अंदाजा इत्थों लगा सकते हो कि जिहड़ी तुसी आ चमचम करदी काले रंग की स्कॉर्पियो गड्डी खड़ी वेख रहे हो शीशियां दे विच लगी, यह कनेडा रहिंदे इक वीर ने चढ़ाई है। वीर दे विआह नूं 19-20 साल हो गए सी, उहदे घर बच्चा नहीं सी हुंदा पिया, वेड़े च कलकारियां नहीं सी गूंजदियां पईआं, ते आखिरकार उन्होंने बाबा काला महर जी दे इस अस्थान ते आ के सुख सुखी सुख सुखों तों बाद एक साल बाद उन्होंने घर पुत्र ने जन्म लिया, ते वीर ने खुश हो कि इत्थे काले रंग की नवीं स्कॉर्पियो गड्डी चढ़ाई भेंट की, 80,000 रुपया नाल नकद राशि भी इत्थे दान की। वरिंदर सिंह संधू वीर का नाम है, गड्डी अज भी स्कॉर्पियो उत्थे खड़ी है बाबा काला महर जी के स्थान से, तुसीं जदों मर्जी जाके देख सकते हो। हुण तुहानूं दसदा कि बाबा काला महर जी है कौन सन। बाबा काला महर पिंड मराणा नेड़े सरहाली जिला अमृतसर के वसनीक सन। बाबा जी का असली नाम मैजल सी, उन्होंने पिता जी का नाम श्री बोगा संधू, तो वह जट सन। बाबा जी के वड वडेर का पिछोकड़ गजनी नाल संबंध दस्या जाता है। बाबा जी के वड वडेरे गजनी तो सिंध ते फिर पंजाब वल आए। पंजाब सब तो पहला यह लाहौर के नेड़े एक पिंड काना काछा आए सन। यह पिंड हुण पाकिस्तान दे विच रह गया है। यह सारा पिंड नरोल संधुआ का सी, इस दे आस पास पेंदे पिंड भी संधु गोद दे सन, जो अगे काने काछे विचों बजे सन, क्योंकि इत्थे पिंडों बार बार एक पुराने थे उपर बाबा जी की यादगार बनी हुई सी। इस तो अगे बाबा जी के भाईचारे के लोग माझा मालवा ते होर थावां ते वस गए, जो तकरीबन सतलुज दरिया के दो ही पासी वसते हैं। बाबा जी के पिता का वसेबा मराणा विखे सी। कहा जाता है कि बाबा जी के पिता श्री बोगा संधु दियां चार शादियां होईयां सन, मतलब चार ब्याह होए सी, पर किसी के भी औलाद नहीं सी, क्योंकि पहला जट लोग पशु पालन ज़्यादा करिया करते सन। हरियाली पानी वाली जगह की तलाश करते हुए अपनी रहायश बदलते रहते सन। ये इतिहासक तत्थ है। पहला सतलुज दरिया बठिंडे के किले की कोल की वगदा सी, पर दरिया ब्यास हरीक नेड़े वहिंदा सी। इन्हां दे विचकारला हिस्सा चरांद लई बहुत वधिया सी। चरांद मतलब जिथे पशु चरदे ने, ते इस चरांद दे विच ही बाबा काला महर जी दे पिता बोगा संधु जी अपना माल डंगर लैके इत्थे पशु चराउण आया करदे सी। ते एक बार की होया कि बोगे संधु ने अपना डेरा पिंड सनेर दे नेड़े लाया होया सी, पर माल डंगर चराउंदे उह फरीदकोट दे नेड़े चहल पिंड दे विच आ पुज्जे, जिथे कि पंज पीरां दी जगह बनी हुई सी, जिस दी मरासी लोग सेवा करया करदे सी। बोगे संधु ने मरासी नूं कहा कि उस दे चार विआह होए ने, पर औलाद किसी दे भी नहीं हैगी, जेकर तुसी लोग पंज पीरां नूं मन्नदे हो तां मेरी इह अरदास बेनती पंज पीरां दे अगे लगा दिओ तां कि मेरे घर कोई बच्चा पैदा हो जावे। कहा जाता है कि मरासियां ने बोगे संधु की गल मन्नी, ते पंजां पीरां अगे दुआ की, जिस पिछों बोगे संधु दे घर एक पुत्र ने जन्म लिया। बोगा संधु जट बहुत खुश होया, उन्होंने मरासी नूं दसन मुताबक पंज पीरां दी मन्नत दित्ती। मरासी नूं एक मज्झ ते एक कंधार दा घोड़ा दिता गया। एक ब्राह्मण जो कि बोगे संधु दे नाल ही रहिंदा सी, उस नूं गऊ दा दान दिता गया, ते बच्चे दा नाम काला रख्या गया, जो वड्डा हो के अपने पिता दी तरह मझां गावां चारन लग पिया, ते पंजां पीरां दा नाम वी ध्यौंदा सी। बाकी पत्नियां तों घरे होर तीन भी पुत्र अते एक धी भी पैदा हुई सी। मरासी दे घरे भी एक बच्चे ने जन्म लिया सी, जिस दा नाम सिद्ध जीवन सी, जो वड्डा हो के माल डंगर चारन लग पिया। एक बार बाबा जी अपने साथियों समेत वग चार रहे सन, मतलब बाबा काला महर जी अपने कह लो यार बेलियों नाल, ठीक है, वग चार रहे सन। वग चारद्या चारद्या इन्हां नूं पंज पीर मिल गए। उन्होंने बाबा जी तो सवाल पूछा कि तेरे पीर कौन ने, तो बाबा काला महर जी ने झटपट जवाब दिता कि मेरे पीर तो पंज पीर है, जिन्हां दी बख्शीश नाल मैं इस दुनिया दे विच आया। बाबा जी ने उन्होंने बेनती करके दुध पियाया ते खीर भी खवाई, ते ये वेख के ये सुन के जेडे पंज पीर सन वह बहुत ज़्यादा खुश होए, पर पीर होर खुश होए ते क्या कि कालिया तू अज तो तू भी पीर हो गया। जिन्हां दी रहमत नाल बाबा जी दे अंदर रूहानी रोशनी पैदा हुई। बाबा जी दे संगी साथी उन्हां दा इम्तिहान लैंदे रहिंदे सन, सवाल करदे रहिंदे सन, बाबा जी उन्हां दा मान रखदे सन। एक बार काफ़ी मझां गावां सूण वालियां सन, जिस करके बाबा जी कोल दुध दा सिर्फ एक तोड़ा ही सी, भाव एक घड़ा ही सी।
ਅਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਮਹਿਰ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਹ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਮੱਝ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੋਲਵੋ, ਦੁੱਧ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਮਾਹਿਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਏ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਮਾਹਿਰ ਜੀ ਉਸ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਚੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਮਹਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਜੱਗ ਕੀਤਾ, ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪੂਰਨ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਮਹਿਰ 'ਤੇ ਅਤਿ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਮਾਹਿਰ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਆਲੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੋਟੀ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜੋ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਚਰਚਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭੱਟੀ ਸਰਦਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਭੱਟੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਝੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਮੱਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਨ ਗਏ, ਝੋਟੀ ਭੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝੋਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਭੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਝੋਟੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਕੱਢਿਆ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਝੋਟੀ ਬਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰੂਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਝੋਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਝੋਟੀ ਸੰਗਲ ਤੜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਬੂਹੇ ਭੰਨਦੀ ਹੋਈ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਟੀ ਸਰਦਾਰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਣੀ, ਭਾਵ ਖਾਰ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਾਇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੌਂਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਮਾਹਿਰ ਜੀ ਸੌਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਜੀਵਨ ਮਰਾਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੌਂਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਜੀਵਨ ਨੇ ਭੱਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਭੱਟੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮਾਲ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਠੋਡੀ ਖੂੰਡੀ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਕਿ ਜਾਗਦਾ। ਸੋ ਭੱਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਤਾੜ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਇੱਥੇ ਬੀੜ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜ ਨੇ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਮਹਿਰ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਨੇ ਲੜਦੇ ਹੋਇਆਂ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਤੋ ਗੁੰਨੋ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੀਲ ਟੇਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਸੂਤ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ।
जिसने रौला पा दिता वे वेखो लोको बगैर सिर दे धड़ लड़दा होया आ रहा है। उस डरी हुई माता ने नील दे छिट्टे मारे बाबा जी दे शरीर ते जिस कारण शरीर उन्हां दा ठंडा हो गया। बाबा जी दा धड़ बीड़ सिखां वाले लिआंदा गया ते ओह कट्टिया होया सीस धड़ दे नाल जोड़ के इट रख के चादर पा के रख दिता गया। सिद्ध जीवन भी इस लड़ाई दे विच शहीद हो गया सी। कहिंदे ने कि जदों पंज पीरां दे पैरोकारां नूं ते गुरु गोरखनाथ दे चेलियां नूं बाबा जी बारे इस घटना दा पता लग्या तां ओह आए, पर अंतम किरिया बारे उन्हां दा मशवरा इक ना होया। गुरु गोरखनाथ दे चेले संस्कार करना चाहुंदे सन ते पंज पीरां दे पैरोकार उन्हां नूं दफनाउणा चाहुंदे सन, तां फिर भाणा वरत्या कि बाबा जी दा मृतक शरीर अलोप हो गया, गायब हो गया, भाव उड गया। सीस ते धड़ दे विचाले जिहड़ी इट रखी सी बस उही रह गई ते आवाज आई उस दी जगह दा चढ़ावा मीर नूं दिता जावे ते नील दी वरतों ना कीती जावे। ब्राह्मण दी कीती गद्दारी दी भी बाबे ने गल कीती कि उन्हां ने चंगा नहीं कीता। इस तरह बाबा जी शहीदी प्राप्त कर गए। जिस जगह ते बाबा जी दा सीस डिग्गिया इस जगह नूं मराणा कहा जाता है। इत्थे बाबा जी दी याद वजों हर साल चेत दी मस्या दी रात नूं अगले दिन बहुत वड्डा मेला लगता है, भाव एकम आपां कह सकते हैं मस्या तो अगले दिन हुंदी एकम ते वड्डी गिनती संगत इत्थे आ के काला महर जी दा आशीर्वाद लैंदी है, सुखां अरदासां बेनतियां करदी है ते उहनां दीआं पूरियां भी हुंदियां। फिर वो अपनी शरधा अनुसार इत्थे जो उहनां नूं तिल फुल सुखिया हुंदा इत्थे फिर चढ़ा जांदे आ। जिथे भी अज संधु वसदे ने उन्हां दे की है कि यादगार बाबा जी दी बनी हुई है, मतलब पूजन वास्ते मठे बने हुए ने ते सारे संसार दे विच ही, मतलब कि जिथे जिथे भी संधु रहिंदे ने बाबा काला माहर जी दी मानता हैगी आ। कोई जिन्हें कोई धर्म तब्दील कर लिया आपदा उहदी गल वक्री, पर जिहड़े पक्के संधु ने उन्हां नूं बाबा काला माहर जी बारे जानकारी लाजमी होवेगी। ते मराणे दा मेला बहुत वड्डा लगता है। ये स्थान बीड़ सिखां वाला विखे है। यह स्थान बाबा जी का बीड़ सिखां वाला विखे है। ये फरीदकोट तो करीब 6-7 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा वाले पासे है। यह जगह एक संघने बीड़ दे विच है जिथे कि जंड, करीर, मले, वणकर आदि होर अनेक ही रुख शामिल ने। इत्थे ही बाबा जी का मठ बनया होया है। पिपली वाले मिकण मरासी के दसन मुताबक उसकी उम्र इस समय 65 साल की है। वह संधुआं का मरासी है। इत्थे पहला कच्चा थड़ा हुंदा सी, पर इस तो बाद दे विच बाबू खान, नवाब मोकले, उसदे लड़के साधु ते जग्गे ने इत्थे एक मजबूत इट्टां दा थड़ा बनाया। फिर इन्हां लोकां ने 1985 दे करीब इत्थे 4 छत्तां वाला एक मठा बना दिता। मठ बनाउण दे लई संधुआं दे पिंडां विच्चों मंग के लियाउंदे रहे ते बनाउंदे रहे। इत्थे हर मस्या तो बाद एकम आउंदी है। इत्थे हर साल चेत की मस्या तो अगले दिन एकम का मेला लगता है जिहड़ा कि 2-2 दिन भरिया रहिंदा है। लोग मस्या की रात नूं इत्थे आ जांदे आ ते सारा चढ़ावा वह उक्त मरासी लोग ही लैंदे ने। वह मठे उत्ते हेली पढ़ के सुनाउंदे ने ते चढ़ाहे जिन्हां विच दुध, गुड़, चोगा, शराब, आटा, घिओ, कपड़े, झाड़ू बौकरा आदि शामिल हुंदे ने। व्याहे जोड़े गंढ जोड़ करके सुखना लाइया जांदियां ने। इस तरह नवजम्मे बच्चों दीआं सुखना भी लाइया जांदियां ने। शराब का चढ़ावा ते प्रसाद हुंदा है। हेली पढ़न वाले खुश होए लोग पैसे भी दिंदे ने चढ़ावे अनुसार, मतलब चढ़ावे सुखना अनुसार हुंदे ने। पहला बाबे दे मठ तक कच्चा रस्ता सी पर हुण पक्की सड़क बनी हुई है। एकम दे मेले वाले दिन दाल फुलके का लंगर इत्थे चलता है। साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। जदों मर्जी कोई चाह पानी का लंगर आके छक सकता है ते वधिया वधिया इत्थे पेड़ पौधे बूटे लगाए हुए हैं। मेले वाले दिन लोग स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारां, बसां ते ट्रैक्टर ट्रालियां ते चढ़ के मेला वेखण आउंदे ने। ते यादगार बीड़ दे विचकार जो दूरों बड़ा शानदार दृश्य उदों देखण नूं लगता है। बड़े स्थानों ते बाबा जी का मेला मनाया जाता है, जिवें कि महेसरी, खप्पियां वाली, शाह वाला, मराणा, अमृतसर, पूना वाली, कपूरे, चुप कीती, संधुआ, चक्कर, चतरा, केर सिंह वाला, अहल, पढ़ाणा, सीतो, ठठा, दाते, माणूके, बरनाला, गट्टी। बाबा काला महर जी बारे कवि भी लिखते हैं, तू जाने मैं भी जाना,
सारी दुनिया जाने मेला बाबे दा लगदा विच मरहाने। कवि लिखते ने कि मावां भावें होवन परियां नाल हुसन दे लट लट भरियां शाहां करी व्याईयां वरियां पहनन पट हंडावन जरियां पूरा कदे शिंगार ना होवे जे गोदी विच बाल ना होवे। सो कहिंदा भाव कि हर एक मतलब जोड़े की जिंदगी दे विच धी पुत्र दा होना लाजमी है, चाहे धी होवे चाहे पुत्र होवे उन्हां दी कुख सुलखणी होनी लाजमी है। सो बाबा जी सारयां ते मेहर करन, सारयां नूं धीआं पुत्तरां दीआं दातां बख्शण, सारयां नूं जो भी जिद्दां दी भी कोई तुहाडी ख्वाहिश है तुहाडी पूरी करने की अरदास मैं करदा। संधुआं ने तां मनना ही मनना बाबे काला माहिर जी नूं, संधुआं तों इलावा भी होर बड़े लोकी बाबा काला माहिर जी नूं मनदे ने ते अरदास बेनतियां करदे ने इन्हां अगे। सो जेकर तुहानूं इह वीडियो देख के बाबा काला माहिर जी दा स्थान देख के इन्हां बारे जानकारी इतिहासक जानकारी पढ़ सुन के वधिया लग्या ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਮਾਹਿਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਦੱਬ ਕੇ ਲਓ ਵੀ ਸੰਧੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੰਧੂ ਗੋਤ ਵਾਲਿਓ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਧੁੱਕੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ, ਇਕੱਲੇ ਸੰਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ 62 ਲਾਹੌਰੀਆ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਅੱਗਿਆ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਮਾਹਿਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ।